हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड करते रहता हूँ लाइब्रेरी की वैकेंसी और ट्रेनिंग के लिए। तो आज जो वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोशिका कोड IIM है ना, खोजी कोड कैंपस PO खोजी कोड 637537 केरला से है। इसका नाम थोड़ा अजीब है, केरला से वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। और इसमें जो वैकेंसी निकल के दो तरह के पोस्ट निकल गए हैं, ठीक है। दो तरह के पोस्ट कौन कौन से मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आइए नीचे में यहाँ पे देखिए, पहला जो निकल के आया है सीनियर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट का निकल के आया है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सैलरी आपका रहने वाला है, इसमें टोटल एक वैकेंसी है और इसका सैलरी जो रहने वाला स्टार्टिंग 45,000 से लेकर 142,400 तक का है। इसका ग्रोस पेमेंट जो है 77,000 रुपये, ठीक है, पर मंथ। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, बैचलर्स डिग्री मांग रहा है, ठीक है। आपने बिलिस किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये मांग रहा है एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, एक्सपीरियंस इसमें आपका 10 साल का मांग रहा है। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना के पे लेवल स्किल बीच में आपका गवर्नमेंट आपने कहीं काम किया तो, ठीक है। फिर आते हैं नीचे में, आपको दिखाते हैं कि एक और वैकेंसी जो निकल के आई है। इसमें जो आपका बता दूं, इसमें जो है आपका सीधा रिटर्न टेस्ट होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसमें आइए नीचे में है कि एक और वैकेंसी निकल के लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, उसमें सीनियर असिस्टेंट था, यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट है। इसका जो सैलरी आपका रहने वाला है 35,400 से लेकर के आपको 112,400 तक है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक रखा गया है और इसका जो बेसिक ग्रॉस पे है आपका 62,000 रुपये है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपको दोस्तों, बैचलर्स डिग्री मांगा गया है, अब प्लस इसमें आपका 6 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको नीचे आइए, इसमें भी कहा जा रहा है कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होने वाला है प्योरली रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट साथ दीजिए और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसमें एज लिमिट रखा गया, एज लिमिट जो रखा गया 35 साल का रखा गया। आइए दोस्तों, अब इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो मैं जान लेता हूँ। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सीधा ऑफलाइन जाना है, ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को भरना है, इसके साइट पर जाना है। आपको साइट पर जाकर आपको इसको फॉर्म को भरना है। तो साइट कहाँ से खुलेगा मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। कहा जा रहा है कि इस फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म भरना है 6/9/2023 से लेकर के 5/10/2023 तक इसका अपडेट लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कहा जाएगा आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, वहाँ पे ये डाल देना है, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है कि आपका ये पोस्ट ये रखा गया है, एड्रेस है, यहीं पे आपको भेजना है। फिर उसके बाद क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपका है, ये अपना डॉक्यूमेंट देख लेना है। डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ मांग रहा है वो आपको दे देना है। और वैसे भी मैं आपको ये PDF जो है अपने लाइब्रेरी चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है कि इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 16/10/2023 तक रखा गया है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका जो एज क्वालिफिकेशन होने वाला है 5/10/2023 तक 5/10/2023 से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है कुछ, तो एक छोटा सा एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ी 118 रुपये रखा गया है इंक्लूडिंग GST, ठीक है। इसमें आपको टोटल 118 रुपये लगेगा और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, मतलब लड़की के लिए भी और SC ST के लिए कोई भी इसमें पैसा नहीं रखा गया, ठीक है। फिर आइए इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, तो मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों एक लिंक मिलेगा, जो कि यहाँ लिंक मिला हुआ है, मैं आपको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। हाँ, www.iimk.ac.in इस पर जाना है और आपको यहाँ पर आपके करियर के ऑप्शन में जाना है। फिर वहाँ से आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर आइए इसमें कैसे आपको ये सिलेक्शन होने वाला है बता देता हूँ। इसमें आपको कहा जाएगा कि 6/9 से फॉर्म भराएगा और 5/10 तक इस फॉर्म को लास्ट डेट भरने का डेट रखा गया है। फिर कह रहा है कि इसको रिसीव करने का 6/10/2023 तक आपको रिसीव इसको भेज सकते, 16/10 तक इसका रिसीव हो जाएगा। फिर एड्रेस कह रहा है एड्रेस टू विच द एप्लीकेशन शुड बी सेंड, मतलब आपको जो फॉर्म है अप्लाई करने के बाद उसका हार्ड कॉपी निकाल लेना है। हार्ड कॉपी निकालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ में और जो अप्लाई किए हैं वो फॉर्म दोनों को आपको इस पते पर भेज देना है। HR इंचार्ज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड IIM कोझिकोड कैंपस PO रोड कोझिकोड केरला 673570 इस एड्रेस आपको भेज देना है, ठीक है। डेट से पहले आपको 16/10 से पहले आपको भेज देना है, मतलब अप्रोक्स समझिए ना कि आपको 5/10 से पहले भेज देना ताकि 16/10 प्राप्त हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है नीचे कि अब इसमें कुछ नहीं रखा गया है और आपको मैंने ये बता ही दिया है कि अगर कोई आपको दिक्कत भी होगा तो आप इस पर मेल करके आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अप्लाई करने का लिंक मिल भी गया है, आपको यहाँ से लिंक करने के लिए आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। www.iimk.ac.in पे इसके वेबसाइट पे जाना है और फिर वहाँ से आपको अप्लाई कर देना है।
अप्लाई करने का भी आपको बता दिया, हमें पैसा 118 रुपये लग रहा है। तो आप इस फॉर्म को अगर एलिजिबल करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस अगर है, तो आप इस फॉर्म को जरूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।